दोस्तों नमस्कार, एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्लूइड डायनेमिक्स पर आधारित कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो एसएससी जेई आरआरबी जेई और भी अदर एग्जामों में बार बार पूछे गए हैं। आप सभी को पता है फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर हम लोग जिन टॉपिक की स्टडी करते हैं वह है वर्नौली इक्वेशन, बेंचुरी मीटर, ऑरिफिस, पिटोट ट्यूब। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज हम लोग इन्हीं टॉपिक पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं समझाता हूं, इससे पहले कुछ बातें बता दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये जो कलर आपको दिख रहा है ब्लैक और ब्लू, इससे भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं बता दूं बहुत सारे स्टूडेंटों को इससे फायदा होता है। यहां पर मैंने दो कलर यूज किए हैं, ब्लैक इंग्लिश में है और हिंदी में ब्लू है। जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वह क्लियर देख सकते हैं कि हिंदी में पूरा ब्लू कलर का क्वेश्चन मिलेगा उनको, ब्लू कलर में ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर तो डायरेक्ट ब्लैक कलर को छोड़ते हुए डायरेक्ट ब्लू कलर में पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनको सीधा डायरेक्ट नजर आएगा। इसी तरह इंग्लिश वालों को डायरेक्ट उनको ब्लैक कलर में पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन नजर आएंगे। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। पहले क्वेश्चन में लिखा है द वर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल ओनली व्हेन द फ्लो। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो वर्नौली इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं वह किस टाइप के फ्लो पर एप्लीकेबल होती है। याद रखें जो हमारे फ्लो की कंडीशन होती है उसके आधार पर पूछा जा रहा है कि जो फ्लो की कंडीशन है किस टाइप का फ्लो होना चाहिए जब वर्नौली इक्वेशन एप्लीकेबल होती है। तो याद रखने सबसे पहले यहां पर समय वेस्ट ना हो इसलिए मैं सारे कुछ जो ऑप्शन है पढ़ के नहीं सुनाता हूं, लेकिन आप लोगों को सारे ऑप्शन पढ़ना है जब भी एग्जाम दें या घर पर प्रैक्टिस करें। इसके अलावा ऑप्शन पढ़ने के बाद सबसे पहले ऐसे ऑप्शन को पहले ही डिलीट कर दें जो हमें लगता है कि ये तो हो ही नहीं सकते, अपने दिमाग में डिलीट करना है, ना कि कॉपी पे कुछ उनको करना है या फिर यहां से कंप्यूटर से हटाना है। तो यहां पर जो वैसे इसका आंसर है बर्नौली इक्वेशन का, स्टडी रोटेशनल इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कोस, ये जो है हमारा आंसर है। अब यहां पर जो क्वेश्चन है इसकी इंपॉर्टेंस मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले कि मैंने क्यों बोला कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आप देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक एग्जामों के नाम लिखे, यहां तक कि एक और एग्जाम का नाम लिखा है, इसको भी मैं सीधा कर देता हूँ। ये एग्जाम के नाम मैं पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इनके नाम पढ़ सकते हैं। इतने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये तो वो प्रूफ है जो मेरे पास है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंस बताने का मेरा पर्पज आप समझ गए होंगे कि जिससे आपको लगे कि हाँ ऐसे क्वेश्चन तो हमें रखना ही है। तो आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर भी याद कर लें तो भी चलेगा, ऑप्शन भी ना पढ़े तो भी चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको याद होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन किसी भी टाइप के एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। जरूरी नहीं एसएससी जेई का एग्जाम हो या आरआरबी जेई का हो, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं, चाहे वो मेट्रो का हो, चाहे स्टेट लेवल पर जो सब इंजीनियर का एग्जाम होता है या फिर हमारा इसरो का एग्जाम होता है और डीआरडीओ का होता है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं। तो चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो लिखा है आर रोटामीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर। जो रोटामीटर है उसका उपयोग क्या मेजर करने के लिए किया जाता है। रोटामीटर का उपयोग क्या मेजर करने के लिए किया जाता है, मतलब किसको मेजर करते हैं हम रोटामीटर से। तो हम सभी जानते हैं यहां पर, वैसे मैं पढ़ा दूं, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ गैसेस, वर्टेक्स फ्लो या फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो जो फ्लूइड का फ्लो है उसको मेजर करने के लिए हम रोटामीटर का उपयोग करते हैं। किसका, जो हमारा फ्लूइड का फ्लो है उसको मेजर करने के लिए हम लोग रोटामीटर का उपयोग करते हैं। समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देखें तो आपको मैं बता देता हूं, यहां पर जो पूरी डेटें डली हुई है इनको आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। ये पढ़ने से होता कुछ नहीं है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आपको लगेगा कि हाँ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन हमें बिल्कुल तैयार कर लेना है। किसी भी टाइप की आप मैकेनिकल इंजीनियर से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड। जो बेंचुरीमीटर है
इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, या बेंचनोमीटर का उपयोग हम किसको मेजर करने के लिए करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें बेंचनोमीटर का जो क्वेश्चन है सभी से बनना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिप्लोमा के अंदर, कई लोग तो बीटेक कर रहे हैं उसमें भी हम पढ़ चुके फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो जो बेंचनोमीटर का उपयोग है, आप चाहें तो ये ऑप्शन पढ़ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर डायरेक्ट रटना है। तो जो बेंचनोमीटर का उपयोग है इसका किया जाता है मेजर द डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग इन अ पाइप। पाइप के अंदर जो हमारा लिक्विड या फ्लूइड फ्लो होता है उसके डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए, मापने के लिए, किसी पाइप के अंदर जो लिक्विड या फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंचनोमीटर का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर इंपॉर्टेंस देखेंगे तो आपको लगेगा, देखो पेज में, मतलब पेज जो देखेंगे पूरा पेज भर जाता है जब मैं इसकी नंबर डालता हूं। देखें आप यहां से यहां तक जब आपको देखेंगे तो लगेगा ये क्वेश्चन तो हमें याद करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है बर्नौली इक्वेशन इज द स्टेटमेंट अबाउट फ्लूइड फ्लो। क्वेश्चन पूछ रहा है जो बर्नौली का, बर्नौली इक्वेशन है, इसका जो स्टेटमेंट है, बर्नौली इक्वेशन का जो स्टेटमेंट है वह किसके बारे में है। यहां पर चार ऑप्शन दिए, उनमें से बताना है कि जो बर्नौली इक्वेशन का स्टेटमेंट है किसके बारे में दिया गया है। याद रखें यदि ऐसे वीडियो हमारे पसंद आ रहे हों, जो लोग एसएससी जेई मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरआरबी जेई मैकेनिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी टाइप के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, मैं आपकी कंप्लीट तैयारी करवाऊंगा। अभी मैं सिर्फ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड कर रहा हूं, या आप कंटिन्यू देखते रहें, इनके नोट्स भी बना सकते हैं और याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट वीडियो से, लेकिन मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहले सभी सब्जेक्टों के सभी टॉपिक बाय टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अभी अपलोड करूंगा, फिर बिल्कुल थ्योरी पढ़ाऊंगा स्टार्टिंग से, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। तो जो बर्नौली इक्वेशन है, इन्होंने, इनका जो स्टेटमेंट है, इन चार में देखें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर इनका स्टेटमेंट है, डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। इसकी भी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं आप, इसकी इंपॉर्टेंस देखो मैं पेज दिखा देता हूं, पूरा पेज भरा हुआ है, मतलब कहीं भी सांस नहीं है कि कोई ऐसा एग्जाम बहुत कम दिख रहे होंगे जो मेन मेन एग्जाम है जिनमें ना पूछा गया हो, तो उम्मीद है इसकी भी इंपॉर्टेंस आपको पता चल गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें जो भी वीडियो इससे पहले मैं डाल चुका हूं, ऐसे सभी स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखे तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी जेई मैकेनिकल के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जाके आप ये सभी वीडियो देख सकते हैं, याद रखें, क्योंकि बहुत सारी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, वह हो सकता है अभी तक आपने ना देखे हो तो उनको भी देख लें, क्योंकि उनमें भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि टॉपिक वाइज टॉपिक में कंटिन्यू बढ़ता आगे जा रहा हूं, लेकिन पीछे के टॉपिक कई स्टूडेंटों के छूट गए होंगे। तो ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है सभी ने इसके बारे में पढ़ा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इस पर पूछे जाते थे और इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता था जब थ्योरी एग्जाम पढ़ते थे। तो ये मास के ऊपर क्या है इसका प्रिंसिपल, कंजर्वेशन ऑफ क्या है, मास, है ना, तो इसका जो ऑप्शन होना चाहिए राइट क्या होना चाहिए, मास। तो उम्मीद है इसका ए वाला ऑप्शन राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप देखें, मतलब हमने इस तरह इसको, मतलब कॉमा लगा के लिखे, देखो आपको दिख रहा है कॉमा लगा के डेटें लिखी हैं और एग्जाम के नाम लिखे, तो आप इससे पता पड़ रहा है कि पेज में बने तक नहीं, कुछ तो मैंने निकाल दिए, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल पूछा है, इफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000 द फ्लो इन पाइप। किस टाइप का फ्लो होगा यदि रेनॉल्ड्स नंबर 2000 से कम है, रेनॉल्ड्स नंबर की संख्या यदि 2000 से कम आती है, लेस देन 2000, तो किस टाइप का फ्लो होगा, तो ये होगा लेमिनार फ्लो। कौन सा होगा, लेमिनार फ्लो, याद रखें एक इसकी थ्योरी भी मैं पढ़ा चुका हूं, समझा चुका हूं अच्छे से, तो ये सभी से बन जाएगा। कौन सा फ्लो होगा, लेमिनार फ्लो होगा यदि रेनॉल्ड्स नंबर की संख्या 2000 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फॉर्मूला पूछा गया है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू, जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है इसका फॉर्मूला क्या होता है या किसके बराबर होता है, तो इसमें को डायरेक्ट याद कर लें, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है या इसके इक्वल होता है। लेकिन ए इक्वेशन डिप्लोमा वालों ने हो सकता ना पढ़ी हो, बीटेक वाले तो पढ़ते हैं। लिखा है द फ्लूइड फोर्स कंसीडर्ड इन द नेवियर स्टॉक इक्वेशन, जो फ्लूइड फोर्स है, कौन सा फ्लूइड फोर्स है, वह नेवियर स्टॉक में हम लोग कंसीडर करते हैं,
इक्वेशन में तो कौन कौन से पॉइंट में हम कंसीडर करते हैं, तो हम इसको ग्रेविटी में करते हैं, प्रेशर में करते हैं और विस्कोस में करते हैं। क्या? ग्रेविटी, प्रेशर और विस्कोस में करते हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जैसा मैंने बताया है कि सभी स्टूडेंट जो चाहते हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हमने देखे हैं, यूट्यूब पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट देखते हैं उनके कमेंट भी देखते हैं, तो देखा मैंने सभी पहले ऑप्शन पढ़ाएंगे पढ़ाने वाले, फिर हम कहीं आंसर देते, तो उसमें क्या समय वेस्ट लगता है। हमारी कोशिश है कि आप लोगों को मैक्सिमम स्टूडेंट देखिए हमारे, जो रटने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले वैसे क्वेश्चन रटवा रहा हूँ आपसे जो बिल्कुल लगता है रटना ही चाहिए, इसलिए मैं ये ऑप्शन को पढ़ने में समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको टाइम जरूर देता हूँ, जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ, इतने में आप क्वेश्चन का आंसर गैस कर सकते हैं, और जब मैं आंसर बताऊंगा तो उसको अपने मन में ही करेक्ट कर सकते हैं कि आपने सही सोचा था या फिर गलत सोचा था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा है अ पॉइंट इन अ कंप्रेसिबल फ्लूड वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूड इज जीरो इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया कंप्रेसिबल फ्लो, मतलब कंप्रेसिबल टाइप का जो फ्लो, उसके अंदर हमें ऐसे पॉइंट को बताना है जहां पर क्या होती है जो फ्लूड की वेलोसिटी कैसी हो, जीरो। एक ऐसा पॉइंट कंप्रेसिबल फ्लो के अंदर जहां पर फ्लूड की जो वेलोसिटी है वह कितनी कैसी होती है, जीरो होती है, इस तरह के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं। तो यहां पर लिखा क्रिटिकल पॉइंट, लिखा वेन अ कॉन्ट्रैक्टर, लिखा है स्टैग्नेशन पॉइंट, लिखा नन ऑफ द अबव। तो जो स्टैग्नेशन पॉइंट है, इस ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फ्लूड की वेलोसिटी कैसी होती है, जीरो होती है। कब? जब कंप्रेसिबल फ्लो। उम्मीद है यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बता चुका हूं कई बार पूछा जा चुका है और कंटिन्यू आगे और भी एग्जामों में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा अ हॉट वायर एनीमोमीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। हॉट वायर एनीमोमीटर का उपयोग क्या मेजर करने के लिए किया जाता है? हॉट वायर एनीमोमीटर का उपयोग किसको मेजर करने के लिए किया जाता है या फिर मापने के लिए किया जाता है? तो ये हॉट वायर एनीमोमीटर के बारे में आपने हो सकता ना पढ़ा हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसके बारे में पढ़ाई की हो, क्योंकि हमने देखा है सिलेबस में नहीं रहता है लेकिन बुकों में रहता है। तो जो हॉट वायर एनीमोमीटर है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं गैस की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए। क्या? गैस की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए, इसकी गैस की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग हॉट वायर एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा, उम्मीद है। यदि ये जो अभी तक मैंने 10 क्वेश्चन कराए हैं, यदि आपको लग रहा है ये काम के क्वेश्चन और पसंद आ रहा है आपको वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दें। 10 क्वेश्चन हम लोग समझ चुके हैं, आगे 10 क्वेश्चन और समझेंगे, टोटल 20 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में। तो मुझे लगता है कि 50% जब गुजर चुके हैं तो वीडियो पता चल गया होगा कि मतलब अच्छा लग रहा है नहीं, तो लाइक करने में आपका कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ हमारी वीडियो की रेटिंग बढ़ती है। तो प्लीज रेटिंग बढ़ा दें, लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा बर्नौली थ्योरम अप्लाइड टू। जो बर्नौली थ्योरम है, कौन सी जो बर्नौली इक्वेशन है बर्नौली थ्योरम है, यह किस टाइप के फ्लो पर अप्लाई होती है? बर्नौली थ्योरम किस टाइप के फ्लो पर अप्लाई होती है? तो जो बर्नौली थ्योरम है वह देखेंगे, ऑप्शन लिखे हैं इनकम्प्रेसिबल, स्टडी, नॉन विस्कोस, ऑल ऑफ दीज कंबाइंड। तो जो बर्नौली थ्योरम है यह अप्लाई होती है इनकम्प्रेसिबल फ्लो पर। किस पे? इनकम्प्रेसिबल फ्लो पर। इनकम्प्रेसिबल फ्लो पर बर्नौली थ्योरम अप्लाई होती है, याद हो जाएगा उम्मीद है आपको। तो ऐसे में रिपीट करके बार बार पढ़ रहा हूँ तो इससे इरिटेट ना हो, आपको याद हो जाएगा बार बार आप सुनेंगे, इसलिए मैं रिपीट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बहुत घुमाने की कोशिश की है जिसने भी क्वेश्चन बनाया। लिखा है वेंचुरी मीटर इज यूज टू मेजर फ्लो ऑफ फ्लूड इन पाइप वेन पाइप इज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो वेंचुरी मीटर का हम लोग उपयोग करते हैं, जब किसी पाइप के अंदर फ्लूड फ्लो हो रहा है तो उसके जो फ्लो को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, वेंचुरी मीटर का उपयोग करते हैं। समझ में आया? वेंचुरी मीटर का उपयोग हम लोग किसी पाइप के अंदर जो लिक्विड या फ्लूड फ्लो हो रहा है उसके फ्लो को मेजर करने के लिए करते हैं, लेकिन कब करते हैं, उसकी पाइप की पोजीशन क्या होना चाहिए, ये पूछ रहा है। क्या होना चाहिए?
पाइप की पोजीशन क्या होना चाहिए ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, वर्टिकल या फ्लो डाउन होना चाहिए, वर्टिकल या फ्लो अपवर्ड होना चाहिए या इन एनी पोजिशन। तो जो बेंचरोमीटर किसी पाइप के अंदर अगर कोई फ्लूड फ्लो हो रहा है तो उसकी फ्लो को मेजर करने के लिए उस पाइप की पोजीशन किसी भी तरह की हो, इंक्लाइंड हो, हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, उस सब में मेजर करता है। इसलिए इन एनी पोजीशन हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अ करेंट मीटर इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट। जो करेंट मीटर है इसका उपयोग क्या मेजर करने के लिए हम लोग करते हैं, इसका करंट मीटर का उपयोग हम क्या मेजर करने के लिए करते हैं, प्रेशर, वेलोसिटी, विस्कोसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन फ्लूइड्स। तो जो करंट मीटर है इसका उपयोग हम लोग वेलोसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। किसको वेलोसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं, तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ऑरिफिस मीटर इज यूज टू मेजर। जो ऑरिफिस है उसका उपयोग क्या मेजर करने के लिए किया जाता है, ऑरिफिस मीटर का उपयोग हम किस लिए करते हैं, क्या मेजर करने के लिए करते हैं। तो ऑरिफिस मीटर का उपयोग हम डिस्चार्ज, एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी एट अ पॉइंट, प्रेशर एट अ पॉइंट। तो जो ऑरिफिस मीटर है इसका उपयोग हम लोग डिस्चार्ज मेजर करने के लिए करते हैं, और ऑरिफिस मीटर का उपयोग हम लोग डिस्चार्ज मेजर करने के लिए करते हैं। तो याद रहेगा ऑरिफिस मीटर का उपयोग हम किस लिए करते हैं, डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा ऑरिफिस इज एन ओपनिंग। जैसा कि ऑरिफिस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी टंकी में, किसी बर्तन में, कहीं पर हम छेद करते हैं, होल करते हैं, उसी को हम ऑरिफिस बोलते हैं। तो यह छेद जो होता है वह किस आधार पर होता है या कहां पर किया जाता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया। तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिए, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका मैं डायरेक्ट राइट आंसर बता देता हूं, विथ क्लोज्ड पेरीमीटर एंड रेगुलर फ्रॉम थ्रो वाटर फ्लो। मतलब एक बंद परिधि वाला और नियमित आकार का जिससे पानी बहता हो। कहने का मतलब सिर्फ एक छेद होना चाहिए, वे तो क्लोज होना चाहिए, और वही छेद होना चाहिए जिससे पानी को हमें फ्लो कराना है, निकालना है, सिर्फ उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑरिफिस बोलते हैं। किसी भी छेद को हम ऑरिफिस नहीं बोलते हैं। जहाँ से हमें लिक्विड को फ्लो कराना है और जहाँ पर हम ऐसा छेद बनाते हैं जहाँ से लिक्विड को फ्लो कराना है, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑरिफिस बोलेंगे। हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा द कंडीशन फॉर द लेंथ ऑफ कन्वर्जेंट पार्ट एल एंड द लेंथ ऑफ द कन्वर्जेंट पार्ट एल वन इन बेंचरोमीटर। बेंचरोमीटर में जो दो पार्ट्स होते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इनकी लेंथ के आधार पर हमें बताना है कि क्या कंडीशन होती है, इनकी लेंथ के आधार पर हमें बताना है कि दोनों की क्या कंडीशन होती है, कन्वर्जेंट पार्ट और डाइवर्जेंट पार्ट। इसकी जो कंडीशन होती है उसमें तो जो हमारी लेंथ ऑफ द कन्वर्जेंट पार्ट है इज लेस देन द लेंथ ऑफ डाइवर्जेंट पार्ट। क्या हुआ कि जो हमारा कन्वर्जेंट पार्ट है उसकी जो लंबाई है वह लेस देन होती किससे, डाइवर्जेंट पार्ट से। तो हमारा ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये भी कई एग्जाम में पूछा गया है नीचे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ऐसा था, ये देखो लगातार पूछा गया एसएससी जेई, देखो 20, 18, 15, 14 लगातार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आप इससे इसकी इंपॉर्टेंस यहीं से पता चला सकते कि एसएससी जेई में किस तरह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एनर्जी लॉस इन फ्लो थ्रू नोजल एज कंपेयर टू बेंचरोमीटर। क्वेश्चन पूछा है एक नोजल के अंदर फ्लो हो रहा है और फ्लूड और एक बेंचरोमीटर के अंदर हो रहा है, दोनों के अंदर फ्लो हो रहा है, लेकिन हमें बताना है नोजल की तुलना में कि एनर्जी लॉस होती हुआ इसमें नोजल में ज्यादा होती है फिर बेंचरोमीटर में ज्यादा होती है। तो नोजल के लिए बताया, तो नोजल में कैसी होती है, मोर होती है, अधिक होती है, कैसी होती है, अधिक होती है, मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लिखा द रेंज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर अ बेंचरोमीटर इज जनरली। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा बेंचरोमीटर होता है उसके लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है, वह जब हम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज लेते हैं तो कुछ मतलब वैल्यू के बिटवीन में लेते हैं, तो वह रेंज है वह क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की जो रेंज है बेंचरोमीटर के लिए क्या होती है, तो वह होती है 0.95 से 0.97। यदि आपने बेंचरोमीटर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए होंगे तो वहां पर इसका यूज किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एनी लिक्विड फ्लो ऑब्वे द फॉलोइंग। क्वेश्चन में पूछा कोई भी फ्लूड लिक्विड फ्लो निम्नलिखित का पालन करता है, कोई भी लिक्विड फ्लू निम्नलिखित में से किसका पालन करता है, तो वह कंटिन्यूटिव
इक्वेशन का पालन करता है, किसका, कंटिन्यूटी इक्वेशन का पालन करता है, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट वही आज का लास्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप अबाउट 3 मीटर इन डायमीटर कैन बी मेजर्ड। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 मीटर डायमीटर वाली, 3 मीटर डायमीटर वाली पाइप के अंदर जो फ्लो हो रहा है उसके फ्लो को मेजर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। फ्लो ऑफ वाटर इन अ पाइप अबाउट 3 मीटर डायमीटर, कोई पाइप है जिसका डायमीटर कितना है 3 मीटर है और उसके अंदर कोई भी वाटर फ्लो हो रहा है तो उसके फ्लो को हम मेजर किससे करते हैं। तो इसके फ्लो को हम मेजर करते हैं पिटोट ट्यूब से, किससे, पिटोट ट्यूब से, सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाए, कौन से, पिटोट ट्यूब से। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन इस चैप्टर में जो बार बार पूछे गए, मैं कोशिश करता हूं कि जो बार बार पूछे गए वो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के हों, अगर 2 वीडियो बनते तो 2 बना देता हूं मैं और 1 बनता तो 1 बना देता हूं, लेकिन सभी सब्जेक्टों के, सभी चैप्टर के, उन सब्जेक्टों के मैं कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। आप लगातार जो प्लेलिस्ट बनी हुई है SSC JEE मैकेनिकल के नाम से उसमें इन वीडियो को देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।